लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें जो होंगी वो भी स्पेशियस आपको मिलने वाली है। तो आपको बताती हूँ, ये 3 BHK का फ्लैट आपको 100 गज के अंदर मिलने वाला है, फुली फर्निश होने वाला है और खूबसूरत बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप भी अपना फ्लैट ढूंढ रहे हैं, अपने किराए के घर को छोड़ना चाहते हैं, अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कम बजट में मिल जाए, तो आपको ये वीडियो पूरे एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब मैं तो कहती हूँ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर तभी आप पूरे फ्लैट को देख पाएंगे और जान पाएंगे कैसे आप इसे खरीद सकते हैं। तो आपको बता देती हूँ, उसके कार पार्किंग में मिलेगी आपको, लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाती हूँ, कार पार्किंग और लिफ्ट, देन उसके बाद पूरा फ्लैट दिखाऊंगी। एलिवेशन में देखिए, लिफ्ट से हम ऊपर की साइड आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस गेट दिखा देती हूँ, ये होगा आपका एंट्रेंस गेट। देखिए आप लुक वाइज आपको बहुत बेटर यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब आ गए हम यहाँ अपने फ्लैट के अंदर। तो सबसे पहले मिलेगा आपको यहाँ पर हमारा लिविंग एरिया। तो आप देख सकते हैं लिविंग एरिया में कितना स्पेस आपको मिलेगा, वो भी यहाँ पर इस वक्त आप फुली फर्निश देख रहे हैं। तो फुली फर्निश आपने देख लिया है, आपको लिविंग एरिया यहाँ पर मिल रहा है। तो लुक वाइज आप देख सकते हैं कितना बेटर आपको मिल रहा है। स्पेस आप देख लीजिए, स्पेस आपको कितना अच्छा मिल रहा है। रॉयल टाइप का आपको सोफा सेट मिल रहा है और आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा स्पेस, कॉफी टेबल है, उसके बाद भी वॉक करने के लिए आपको इतना स्पेस मिल रहा है। एंट्रेंस के साथ ही आपको पहले ये लिविंग एरिया मिलेगा। अब मैं स्पेस सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, ये स्पेस आपको मिलेगा। आपने इस साइड स्पेस देख लिया, तो आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। 100 गज के अंदर आपको 3 BHK मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस फ्लैट। अब इधर देखेंगे तो इधर आपको टीवी पैनल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपको टीवी पैनल भी कितना अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर स्पेशियस है। पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपर ग्लास का वर्क मिलने वाला है। तो भाई बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको टीवी पैनल मिल जाएगा, स्पेस आपको अच्छा मिल रहा है और ये लिविंग एरिया का स्पेस तो आपने देख लिया। अब अगर पीछे की वॉल देख लीजिए तो आप देख सकते हैं कि पीछे की वॉल पर वॉलपेपर लगाया गया है और फर्नीचर से मिलता हुआ आपको यहाँ पर वॉलपेपर मिल रहा है और स्प्लिट एसी का प्रोविज़न भी आपको मिल जाएगा ऊपर की साइड पे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपको मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ टेलीकॉम की फैसिलिटी आपको मिल रही है यहाँ पर, ताकि आप कॉलिंग से ही पता कर लें कि आपके घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो इसकी फैसिलिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फोर सीलिंग। तो फोर सीलिंग पे नज़र घुमाइए, कितनी सुंदर आपको फोर सीलिंग मिलने वाली है। इधर सुंदर सा ये बीच में आपको झूमर मिलेगा, दो फैंस मिलेंगे एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोफाइल लाइट कॉब लाइट के साथ आपको बहुत ही सुंदर और बेहतरीन सी यहाँ पर ये फोर सीलिंग मिलने वाली है। आई होप आपको वीडियो में अच्छे से नजर आ रहा होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा। भाई ये फ्लैट बहुत ज्यादा स्पेशियस है, मैं कह रही हूँ आप आके अगर विजिट जरूर कीजिएगा। आपको 100 गज में 3 BHK मिल रहा है, मेट्रो स्टेशन से आपको ये, यानी कि जो मेट्रो स्टेशन आपको द्वारका मोड़ इसका नियरेस्ट पड़ने वाला है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको ये फ्लैट मिलेगा। मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये फ्लैट होने वाला है। आपने लिविंग एरिया देख लिया, अब मैं आपको ये वाला एरिया दिखाती हूँ। तो लिविंग एरिया के साइड में आपको देखिए एक कॉर्नर मिल रहा है। ये अब आप सब सोच रहे होंगे कॉर्नर क्यों है, पहले तो आप देख लीजिए पूरा यहाँ पर कॉपर ग्लास से वर्क किया गया है, पूरा यहाँ पर मिरर का वर्क मिलेगा आपको एल टाइप में। तो ये वही स्पेस आपको इसलिए दिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, आप आराम से इजीली यहाँ पर 4 सीटर अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, उसके लिए अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप लिविंग एरिया देख लिया, अपना ये वाला डाइनिंग स्पेस देख लिया। चलिए अब आती हमारे बेडरूम के बारे में, सबसे पहले बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बेडरूम इधर है, तो सबसे पहले वही दिखाती हूँ आ जाइए। तो फैमिलीज ये होगा आपका फर्स्ट बेडरूम। तो एंट्रेंस के साथ ही आपको स्पेस दिख गया होगा कि कितना स्पेशियस आपको फर्स्ट बेडरूम मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप बेड ही देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्विल्टिंग के वर्क के साथ आपको बेड मिलेगा, फुली फर्निश्ड फ्लैट है, बेड आपको मिल रहा है।
अगर आप मेरे अगर थोड़ा सा नजर घुमाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको वेंटिलेशन मिलेगा, कि विंडो आपको साइड पे मिलेगी। तो वेंटिलेटेड आपका ये फर्स्ट बेडरूम होने वाला है, कोई डाउट नहीं है भाई, वेंटिलेटेड है, फुली फर्निश्ड है, बहुत बढ़िया फ्लैट आपको तैयार करके दिया जा रहा है। अगर आप दोनों साइड देखेंगे, दोनों साइड बेड के स्पेस मिलेगा आपको, और स्पेस तो आपने आगे देख ही लिया होगा कितना अच्छा यहाँ पर आपको एंट्रेंस के साथ ही इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब आते हैं वार्डरोब पे। तो सबसे पहले तो आप बाहर से ही वार्डरोब का एक बार लुक देख लीजिए, कितना अच्छा और डिसेंट सा यहाँ पर व्हाइट कलर की आपको वार्डरोब मिल जाएगी। अब अंदर की बात करते हैं, तो अंदर देखेंगे तो आप स्पेस आपको कितना अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा। टॉप तक आपको यहाँ पर वार्डरोब मिलेगी, नीचे भी आपको स्पेस मिलेगा ताकि आप स्लीपर वगैरह अपने यहाँ पर रख सकते हैं। ये साइड आपको वार्डरोब की मिली, इस साइड भी अगेन आपको यहाँ वार्डरोब मिलेगी। अब इसके अंदर वॉशरूम आपको अटैच मिलने वाला है, तो आप एक बार देख लीजिए। मिल रहा है आपको, वॉश बेसिन मिल रहा है, मिरर मिल रहा है, यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग मिल रही है, गीजर आपको लगा हुआ मिल रहा है, सब कुछ आपको लगा के दिया जा रहा है। अब इस रूम से जाने से पहले अगर फोर सीलिंग देख लीजिए इसकी, कितनी सुंदर और यहाँ पर ये बेहतरीन तरीके से फोर सीलिंग तैयार की गई। डिजाइन आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि आपके बेडरूम से बेड से मिलता जुलता यहाँ पर कलर यूज किया गया है, उससे बॉर्डर तैयार किया गया है। तो आप देख ही सकते हैं आपको फोर सीलिंग कितनी सुंदर मिल रही है, कॉब लाइट आपको इतनी बड़ी यहाँ पर लगा के दी जा रही है, बहुत सुंदर आपको यहाँ पर ये फर्स्ट बेडरूम। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया फर्स्ट बेडरूम, सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि इसका स्पेस इतना ज्यादा है ना, स्पेस देख के बहुत ज्यादा पसंद आया, आई होप आपको भी पसंद आएगा। अब चलते हैं मेरे सेकेंड बेडरूम की तरफ, तो आ जाइए। तो सेकंड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कॉमन वॉशरूम, जो कि आपको इस साइड मिलेगा। तो अब अगर कॉमन वॉशरूम की झलक भी देख लीजिए आपको कितना स्पेशियस यहाँ पर लंबाई में तो मिलेगा आपको कॉमन वॉशरूम। यहाँ भी आपको सैनिटरी फिटिंग सारी मिलेगी, वॉश बेसिन, मिरर, सब कुछ यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर भी आपको गीजर लगा के दिया जा रहा है, तो मतलब सब कुछ यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम में मिलने वाला है। टाइल के साथ आपको पूरा वॉशरूम तैयार है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। आपको बता दूं आपको सेकंड बेडरूम थर्ड बेडरूम बिल्कुल आमने सामने होने वाला है। तो पहले अपने ये वाले बेडरूम की तरफ चलते हैं सेकंड बेडरूम में। तो ये होगा आपका सेकंड बेडरूम। तो आप देख सकते हैं अगेन इसका भी स्पेस बहुत अच्छा होने वाला है। फर्स्ट बेडरूम का आपने देखा, आपको अगेन इसमें क्विल्टिंग वाला बेड मिलेगा और पीछे यहाँ पर आपको वॉलपेपर भी मिलेगा। कलर थीम भी आप देख सकते हैं, कलर थीम भी बहुत ज्यादा प्यारा है, ब्लू और रॉयल कलर आपको यहाँ मिल रहा है। ये रूम भी आपका वेंटिलेटेड होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विंडो मिल रही है, विंडो एसी का प्रोविजन आपको मिल जाएगा। और स्पेस आप देखिए, मेरे इस साइड भी आपको स्पेस मिल रहा है और मेरे राइट हैंड साइड भी आपको, आप चाहे तो वहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल भी लगा सकते हैं, स्पेस आपको इतना अच्छा मिल जाएगा। अगर सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये एलईडी पैनल दिया जा रहा है, यहाँ पर आप चाहें तो अपना एलईडी लगा सकते हैं। हालांकि आपको लिविंग एरिया में बहुत अच्छा स्पेशियस यहाँ पर एलईडी पैनल मिल चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ इस रूम से मिलेगा आपको बालकनी एक्सेस, तो आपको बालकनी दिखाती हूँ, आ जाइए। तो आप बालकनी का लुक देखिए यहाँ पर, सबसे पहले तो पूरी ग्रीनरी के साथ आपको ये बालकनी का एरिया मिलने वाला है, मतलब पूरी फ्लोरिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी ग्रीनरी आपको मिलने वाली है। पीछे साइड देखिए आप, पूरा यहाँ पर तैयार किया गया है इंटीरियर साइड, कि कितना सुंदर यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, मतलब गार्डन की जरूरत ही नहीं लग रही यहाँ पर, बहुत अच्छी आपको ये बालकनी तैयार करके दी जा रही है, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी बालकनी। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं इस रूम की भी फोर सीलिंग, तो आप वो भी देख लीजिए। तो फोर सीलिंग आपने देख ली है, हर बेडरूम की आपको फोर सीलिंग डिफरेंट मिलेगी, यूनिक मिलेगी और अच्छी मिलेगी। तो चलिए अब थर्ड बेडरूम में चलते हैं। तो अब थर्ड बेडरूम में जाने से पहले आपको किचन दिखा दूं, तो आ जाइए। तो ये होगा आपका किचन का एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लंबाई में किचन मिलने वाला है और स्पेशियस अगेन होगा आपका, पूरी व्हाइट थीम के साथ आपको किचन एरिया मिल रहा है।
किचन भी आपका वेंटिलेटेड होगा, इसलिए यहाँ पर विंडो आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड आपका किचन होगा, उसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अगेन आपका इधर वॉशिंग एरिया हो जाएगा, इधर आपका आरओ का प्रोविजन हो जाएगा। कैबिनेट्स आपको स्पेशियस यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी, तो कोई डाउट की बात नहीं है। यहाँ पर चिमनी आपको लगी हुई मिल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिमनी आपको लगी हुई मिल रही है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर ही आपको फ्लैट दिया जा रहा है भाई तैयार करके, तो आप देख ही सकते हैं। और स्पेस देख लीजिए आप, स्पेस आपको कितना लंबा, मतलब लंबाई में आपको किचन मिल रहा है, और किचन के जस्ट सामने आप डाइनिंग टेबल आपका लग जाए, जो कि स्पेस में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ यहाँ पर। तो मतलब किचन आपका बहुत बढ़िया आपको मिलने वाला है, व्हाइट कलर के साथ मिलेगा। 5 फुट तक आपको यहाँ पर टाइलिंग मिल रही है ताकि वॉले गंदी ना हो। आप एक बार फोर सीलिंग देख लीजिए ऊपर की, प्रेसेस आप लैंप देख सकते हैं यहाँ पर किचन पे लगाया गया है, ताकि किचन का लुक भी थोड़ा बेटर आए, सुंदर सा आए। तो भाई फैमिली, किचन आपका बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया गया है, जल्दी से आ जाइए इसे देखने के लिए। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम में, तो आ जाइए। तो फैमिली ये होगा आपका थर्ड बेडरूम, तो आपने फर्स्ट देख लिया, सेकंड बेड देख लिया, एंड थर्ड बेडरूम आपका ये होगा। अगेन आपको ये बेड मिलेगा क्विल्टिंग के साथ, और पीछे आपको मिल जाएगा यहाँ पर वॉलपेपर का वर्क। तो स्पेस तो आपको इसमें भी नजर आ ही गया होगा कि अच्छा खासा मिलेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है ना, इस रूम में आपको वार्डरोब की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि स्पेस बहुत, आप देख सकते हैं ऊपर से लेके यहाँ पर आपको यू टाइप में वार्डरोब मिलने वाली है। पूरे टॉप तक आपको यहाँ वार्डरोब मिलने वाली है, वो भी पूरी यू शेप में मिल रही है। तो मतलब अगर कोई लड़की इस रूम को लेती है ना भाई, तो भाई कपड़े रखने की कोई जगह नहीं होगी, स्लीपर रखने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यू टाइप में आपको पूरी वार्डरोब यहाँ पर मिलने वाली है। स्पेस अगेन उतना ही होगा जो आपको पहले भी देखा था, खैर तो जब आप आएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगेन ये रूम भी वेंटिलेटेड होगा, तो आपको यहाँ पर विंडो मिल जाएगी, विंडो एसी का प्रोविजन आपको यहाँ मिल रहा है। अगेन इधर टीवी पैनल मिल जाएगा आपको, तो आप टीवी पैनल देख सकते हैं। और सेकंड बेडरूम से आपको बालकनी मिली थी, थर्ड बेडरूम से भी आपको बालकनी मिलने वाली है, तो आप देख सकते हैं इस बालकनी का लुक भी यहाँ पर एक बार आप। तो आपने बालकनी देख ली, अब इस रूम से जाने से पहले अब आपको फोर सीलिंग दिखा देती हूँ, एक बार देख लीजिए। अगेन इस रूम की फोर सीलिंग भी आपको डिफरेंट मिलेगी, डिज़ाइन आपको अलग मिलेगा, कॉब लाइट प्रोफाइल लाइट के साथ आपको अच्छी यहाँ पर फोर सीलिंग इस रूम की भी मिलने वाली है। तो भाई तीनों रूम मैंने आपको दिखा दिए हैं, तीनों ही रूम बहुत बढ़िया होने वाले हैं। एक रूम में आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, दो रूम में आपको बालकनी का एक्सेस मिलेगा, स्पेस बहुत बेटर होने वाला है, किचन आपको स्पेशियस मिल जाएगी। एक चीज़ बताना भूल गई आपको, किचन के अंदर आपको यहाँ पर फ्रिज का स्पेस भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं किचन के सामने आपको डाइनिंग टेबल का स्पेस दिया जा रहा है, कॉमन वॉशरूम है, लिविंग एरिया आपको इतना अच्छा स्पेशियस यहाँ पर मिल रहा है। तो भाई मेरे को तो कोई कमी नहीं लगी, मैं तो कह रही हूँ अब आपके एक बार आप आकर ज़रूर देखिए, इस फ्लैट को विजिट ज़रूर कीजिए। लेना ना लेना वो तो बात की बात है, लेकिन आप आकर विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्लैट बहुत बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि होम फॉर सेल आपको दे रहा है, होम फॉर सेल दे रहा है, यानी कि आपको आपके बजट के अंदर मिलेगा, आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्लैट मिलेगा, आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, डील बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। तो आप इस डील को क्रैक करने के लिए आप तैयार हैं, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस नीचे दिए गए नंबर पर जल्दी से कॉल करना है, जल्दी से मतलब जल्दी से कर लीजिए, वरना किसी और ने कर ली तो ये फ्लैट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मैं अंकिता आंजलि आपको मिलूंगी फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।